नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं दिव्या आप लोगों के सामने कुछ लोकप्रिय श्लोकों को लेकर के आई हूँ, जिसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी। शुरू करते हैं। आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, धनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। तो जो व्यक्ति आलस करते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती, और जिनके पास विद्या नहीं होती वो धन नहीं कमा सकते, जो निर्धन हैं उनके मित्र नहीं होते, और मित्र के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए, किसी भी काम को बहुत ही तेजी से करना चाहिए। और पुस्तकस्था स्तु या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद् धनम। तो जो ज्ञान किताबों में छपा अक्षर ज्ञान एवं दूसरों को दिया गया धन, यह दोनों मुसीबत के वक्त में कभी काम नहीं देता। इसलिए हमेशा आप अपने चीज़ों को बचा करके रखिए, ताकि वो वक्त पड़ने पे आपके काम आ सके। आप की जो विद्या है वो आपके लिए काम आ सके, दूसरों के लिए तो वो काम आ ही सकती है, लेकिन वो आपके लिए भी काम आ सके। अगला देखते हैं। अयम निजम परो वेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। तो इस श्लोक में यह बताया गया है कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा गणना, ऐसी गणना निम्न बुद्धि वाले लोग करते हैं। जो उच्च बुद्धि वाले और जो बहुत ही विस्तृत हृदय वाले होते हैं, उनके लिए तो ये पूरी धरती ही एक परिवार के समान होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पूरी अपनी धरती को परिवार की तरह ही मानना चाहिए। कुछ भी इसमें मेरा और पराया का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला देख लेते हैं। यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत, एवं परुष्कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। तो आगे ये इस श्लोक में बताया गया है कि कभी भी कोई रथ एक पहिए से नहीं चल सकता, उसके लिए हमें चार पहिए की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार पुरुषार्थ विहीन व्यक्ति का भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो हमें अगर अपने भाग्य को सिद्ध करना है तो हमें कर्म को करना चाहिए, हमें पुरुषार्थ अपना दिखाना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं और हमारा सब चीज़ अच्छा अच्छा हो जाए, तो ऐसा नहीं। अगर हमें किसी काम में लगना है, अच्छा चाहना है, तो हमें उस काम की शुरुआत करनी पड़ेगी और उसे हमें अंत तक करना पड़ेगा। अगर हम काम को नहीं करेंगे तो हमें अच्छा अंजाम नहीं मिलेगा। तो इस श्लोक में यही बताया गया कि हमें कार्य को करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। बेशक भाग्य अच्छा हो सकता है, लेकिन हमें उसके लिए कार्य तो ज़रूर करना पड़ेगा। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय।